किस तरह से पानी की चारों तरफ बहुत कमी है, किस तरह से पानी के ऊपर ऑलरेडी लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, दिल्ली के बारे में सुनने को मिलता है कि अंडरग्राउंड वाटर की स्थिति धीरे धीरे ख़राब हो रही है, उन सब चीज़ों को और भविष्य को ध्यान में रखते हुए और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने यमुना के फ्लड प्लेन्स में बारिश के पानी को संचयन करने के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई है। इस योजना से वर्तमान में भी मदद मिलेगी और भविष्य में भी पानी की स्थिति से निपटने में इसमें मदद मिलेगी। अभी कैबिनेट ने उस प्रस्ताव, कैबिनेट मीटिंग हुई थी, कैबिनेट मीटिंग ने उस प्रस्ताव को पारित कर दिया है। आने वाली बारिशों में यमुना के फ्लड प्लेन में बारिश के पानी को संचयन करने का, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का काम शुरू किया जाएगा। चूंकि इस बार समय कम रह गया, इस बार हम कितने बड़े स्केल पे कर पाएंगे अभी कह नहीं सकते, लेकिन एक ठोस शुरुआत होगी और उससे ये भी पता चल जाएगा कि इसका स्कोप कितना ज़्यादा है। एक तरह से ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी होगी हमारे लिए, एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि इसको करना तो है, लेकिन इसके जो बाद में रिजल्ट्स आएंगे उससे पता चलेगा कि कितनी संभावनाएं हैं, कितना पोटेंशियल है इसमें पानी को स्टोर करने का। कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट्स और आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स बहुत बड़े पोटेंशियल की तरफ इशारा करती हैं कि यमुना का फ्लड प्लेन बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे पानी को संचयन करके दिल्ली की पानी की समस्या से निजात दिलाई जा सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस बार हम इसको छोटे स्केल पे शुरू करेंगे और इसकी स्टडी के बेसिस पे अगले साल इसको पूरी तरह से लागू कर देंगे। इसमें पल्ला से लेके वजीराबाद तक का जो स्ट्रेच है उसके किनारों के ऊपर पानी का संचयन किया जाएगा। ये पूरा इको फ्रेंडली तरीके से होगा, इसमें कोई सीमेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह कुछ नहीं है। इसमें छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए जाएंगे और जब उन पॉन्ड्स में जब रेगुलर यमुना का फ्लो होता है तो वो पानी वहाँ नहीं पहुँचेगा, लेकिन जब बारिश के दिनों में यमुना ओवरफ्लो करती है तो वो ओवरफ्लो वाला पानी इन पॉन्ड्स में जाएगा और पॉन्ड्स में जब वो पानी थोड़ी देर के लिए ठहरेगा तो वो नीचे परकोलेट हो जाएगा। जैसे जब पानी यमुना में बहता है तो वो नीचे उसको परकोलेट होने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब वो उन पॉन्ड्स में थोड़ी देर के लिए ठहरेगा पानी तो उसमें वो परकोलेट होता जाएगा। तो परकोलेशन का क्या रेट होगा ये इस बार हमें पता चल जाएगा, वो कितनी दूर तक पानी जाएगा ये हमें पता चल जाएगा। दिल्ली की जो ग्राउंड वाटर की जो वो है उसका फेवरेबल इस तरह से है कि दिल्ली का नीचे का जो स्तर है, वो स्लोप है, वो यमुना से शहर की तरफ आ रहा है। अगर तो ये स्लोप उल्टा होता कि शहर से यमुना की तरफ जा रहा होता तो हम पानी स्टोर नहीं कर सकते थे, फिर तो ये सारा पानी शहर का भी यमुना में बह जाता। लेकिन दिल्ली में पानी का जो नीचे का जो स्लोप है वो यमुना से शहर की तरफ आ रहा है, तो जितना हम संचयन करेंगे पानी वो शहर की तरफ नीचे स्टोर होता जाएगा। शहर में कहाँ कहाँ स्टोर होगा ये कंसल्टेंट्स ने हम लोगों को बताया है। दो इश्यूज अब रह गए हैं। एक इशू है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ एक अप्रूवल्स की ज़रूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पिछले हफ्ते हम प्रस्ताव भेज चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब जो हैं शेखावत जी, उनसे मैं मिलके भी आया था, उनका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और मैंने उनसे निवेदन किया था कि चूंकि बारिशें आने वाली हैं अगर इस प्रस्ताव पे जल्दी से निर्णय ले लिया जाए। उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया था कि इसको जल्दी से जल्दी इस पूरे प्रस्ताव के ऊपर निर्णय ले लिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल आ जाएगा। दूसरा, ये जो ज़मीन है मोस्टली किसानों के पास है, ये ज़मीन है तो किसानों से ये ज़मीन हम लोग किराए पे लेगी दिल्ली सरकार
उस किराया कितना होना चाहिए इसके ऊपर आज एक कमेटी पांच या छह पांच अफसरों की एक कमेटी बना दी गई है जो मंडे तक अपनी रिपोर्ट दे देगी कि किस रेट के ऊपर किसानों से ज़मीन लेनी है। तो मोटे मोटे तौर पे ये है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बारिशों के पहले इस बार हम एक रीज़नेबली बड़ा पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर पाएंगे और जिससे हमें पता चलेगा कि कितना पानी का संचयन किया जा सकता है। ये एक दूसरा आज एक बड़ा निर्णय कैबिनेट ने किया है कि जितनी भी दिल्ली सरकार की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सारी बिल्डिंग्स के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि बारिशों के पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएं। जिन बिल्डिंग्स के ऊपर ऑलरेडी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं एचओडीज को सभी डिपार्टमेंट हेड्स को डायरेक्शन दी गई आज कि वो इंश्योर करें कि सबकी सफाई हो जाए टाइम के ऊपर और सारे ऑपरेशनल हों और जहाँ पे नहीं बने हुए वहाँ दिल्ली जल बोर्ड को डायरेक्शन दी गई है कि सभी बिल्डिंग्स के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना दिए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का संचयन किया जा सके। अगर इस पे अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं। हाँ जी ये 20 किलोमीटर की लेंथ है और विड्थ में लगभग जो यमुना फ्लड प्लेन है 3 किलोमीटर चौड़ाई है तो हम लेफ्ट बैंक के ऊपर जो दिल्ली के साथ पल्ला से लेकर वजीराबाद तक जो लेफ्ट बैंक है उसमें हम किसानों की जो ज़मीन है उसमें किराए पर लेकर छोटे छोटे पॉन्ड बनाएंगे। जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नॉर्मल में उसका पानी नहीं आएगा, जब भी बाढ़ आती है एक पानी का लेवल एक लेवल से ऊपर जाएगा तो वो खड्डे सारे भर जाएंगे। ऐसा साल के अंदर लगभग 25 से 30 दिन होते हैं जब पानी का लेवल ऊँचा होता है तब उससे पानी सारा परकुलेट करेगा और नीचे हमारे पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और कई बारी तो एक दिन के अंदर दिल्ली से जो पानी निकलता है बाढ़ का पानी वो पूरे साल के लिए जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा निकल जाता है। तो उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं यमुना फ्लड प्लेन्स के अंदर और लकीली दिल्ली की जो रेन यमुना नदी है इसमें 40 मीटर की रेत की लेयर है और जिसकी विड्थ लगभग 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की चौड़ाई है। 3 किलोमीटर फ्लड प्लेन के अंदर है बाकी वो फ्लड प्लेन से बाहर अलीपुर तक जाती है तो उसके अंदर बहुत बड़ा एक नेचुरल रिजर्वायर मान सकते हैं जिसमें 50% कैपेसिटी होती है। अगर नॉर्मली एक एम्प्टी टैंक बनाएंगे उसकी कैपेसिटी जितनी है रेत के टैंक की कैपेसिटी से आधी होती है तो उसकी टोटल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। तो इस बार हम ट्रायल करना चाहते हैं कि कितना पानी परकुलेट कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने जितने भी पीडब्ल्यूडी के अंदर फ्लड इरीगेशन के अंदर जितने भी नाले आते थे उनको सबको डिसिल्ट करा दिया है, सबको कंप्लीट हो चुका है, सारा डिसिल्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है। इस बार हमने एक काम और किया है जो दिल्ली सरकार के नाले उनमें हम जाली लगा रहे हैं। अभी तो होता क्या था कि एमसीडी के छोटी नाली उसमें जाके करती थी वो अपने डिसिल्टिंग करते नहीं थे पीरियड में घुस जाता था तो इस बार हमको जाली लगा रहे हैं। एनजीटी के ऑर्डर थे कि आप ऐसे लगाइए हमने लगा रहे हैं सारे दो चार दिन में खत्म हो जाएंगे तो आप इस बार चेक कर सकते हैं पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर ऐसा नहीं मिलेगा। उसी डायरेक्शन में तो है, प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी के संचयन की ग्राउंड वाटर संचयन की ज़रूरत है, हम भी वही कर रहे हैं और केंद्र सरकार से बेसिकली एक तरह से उनकी कंकरेंस की ज़रूरत है। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सेंट्रल वाटर कमीशन और अपर यमुना रिवर बोर्ड, तो बेसिकली सेंट्रल वाटर कमीशन इज़ द मेन बॉडी जिनके अंडर में ये आते हैं। तो सेंट्रल वाटर कमीशन इन सभी बॉडीज़ को भेज दिया है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इनका रिस्पांस आ जाएगा। फाइनेंशियल एड इज़ नॉट, आप समझने की कोशिश करो, ये बड़े खूबसूरत चीज़ है। इसमें केवल और केवल पॉन्ड्स फिजिकली खोदने की ज़रूरत है, पैसा लगेगा ही नहीं। आप जो अभी मंत्री जी बता रहे थे इतना बड़ा रिजर्वायर जो कि फ्लड प्लेन है यमुना का, इतना बड़ा रिजर्वायर अगर आप फिजिकली सीमेंट का बनाना चाहे तो पता नहीं कितने हज़ार करोड़ रुपए लगेंगे। यहाँ पे केवल आपको गड्ढे खोदने हैं जो कि टेम्परे, वहाँ पे वो पानी रुकेगा थोड़ी देर के लिए और वो परकोलेट हो जाएगा, फिर और पानी आएगा वो रुकेगा वो परकोलेट हो जाएगा, और पानी आएगा वो रुकेगा वो परकोलेट, कोई सीमेंट नहीं है कुछ नहीं है, फिजिकली गड्ढे खोद और वो पानी बिना पाइपलाइन के शहर की तरफ अपने आप दूर तक चला जाएगा कई किलोमीटर नीचे के नीचे, कोई पाइपलाइन की ज़रूरत नहीं, कोई रिजर्वायर की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम जगह जगह शहर के अंदर जहां हमें पता होगा कि यहां पानी रुका है वहां पे हम बोरवेल करके उस पानी को निकाल लेंगे। तो कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर।
मंडे को नहीं देखिएगा। अभी 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 ऐसा है, वजीराबाद से पल्ला तक जो दिल्ली की तरफ जो एरिया, उधर कुछ एरिया यूपी का लगता है, यूपी की तरफ हम काम नहीं कर रहे, हम इसी तरफ करेंगे सारा के सारा काम। उनको भी कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि 250 लेक्स के रिजुविनेशन का ऑलरेडी फंड हम लोग सैंक्शन कर चुके हैं, उन लेक्स के ऊपर बहुत बड़े स्तर के ऊपर उनके रिजुविनेशन का काम चल रहा है, उसमें मतलब जो भी काम चल रहा है उसका स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बाद में दे दूंगा, लेकिन 250 लेक्स के रिजुविनेशन का काम ऑलरेडी चल रहा है। उसका तो जवाब दे दिया एजुकेशन मिनिस्टर ने कैबिनेट के बारे में, देयर इज नो बजट रिक्वायर्ड, दैट इज वेरी, वो बता रहे हैं शायद 50 करोड़ के आसपास है टोटल, वेरी वेरी लेस मनी इज रिक्वायर्ड। आप सोच के देखो कि सब कुछ नेचुरल है, इसमें रिजर्वायर नेचुरल है, पानी बारिश का पानी सबसे साफ पानी होता है, वो सबसे साफ पानी आपका नेचुरल तरीके से कई महीनों तक अंडरग्राउंड स्टोर हो जाएगा, नेचुरल तरीके से वो शहर की तरफ चला जाएगा, सब कुछ नेचर का हो रहा है। ऐसा है, पिछले 4 साल से मेहनत कर ही रहे हैं दोस्त हर चीज पहले साल में तो नहीं होती अभी मैं आपको एक सेकंड, अभी जो कंसल्टेंट हमने अपॉइंट किया था उसको अपॉइंट किए भी 7-8 महीने हो चुके हैं, डिटेल स्टडीज चल रही हैं, हमसे पहले भी आईआईटी ने बहुत सारे कंसल्टेंट ने स्टडीज़ की थी, हमारी सरकार ने उनको सबसे पहले स्टडी किया, किसी ने भी इतने बड़े स्केल पे सोचा नहीं। अब हमने फिजिबिलिटी स्टडीज़ करके जब कंसल्टेंट रिपोर्ट दी फिजिबल है, तो अब इसको हम करने जा रहे हैं, और इसको इस साल हम ट्रायल छोटा वर्जन पे करेंगे, अगले साल इसको पूरे फुल स्केल पे करेंगे। तो वो गिरफ्तार कर लें, फिर गिरफ्तार क्यों नहीं करते अगर घोटाला हुआ है तो? उनके पास सीबीआई, उनके पास इनकम टैक्स, उनके पास सारी एजेंसीज हैं, तो वो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं? उन्होंने सारी फाइलें चेक कर रखी हैं, उन्होंने हमारी सारी, सीबीआई ने सारी फाइलें उठा के ले गए थे, सब कुछ चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला उन लोगों को, शोर करते रहते हैं बस। आपने